एक बहुत ही अच्छी स्टोरी है, एकदम गांव से जुड़ल स्टोरी बा। जन्म में हम नायक के भूमिका में बानी, नायिका के भूमिका में सपना जी बाड़ी और नेहा जी बाड़ी। हम बहुत ही खूबसूरत स्टोरी बा, केकरा के आसरा दे तनी केकर तुरंत नहीं, ई तो फिल्म देखला के बाद पता चली। जी जी एकदम, मतलब टिपिकल जो गांव के स्टोरी होला, कॉलेज से लेके घर से लेके उस टाइप के स्टोरी बा। मतलब अच्छा लागे दर्शक लोग, भाई लोग के। आज आप कॉलेज में पढ़ने आए हैं, तो कॉलेज की यादें कितना ताजा है? आज कॉलेज की यादें तो एकदम भरपूर ताजा। क्लासरूम्स देख रहे हैं, ग्राउंड देख रहे हैं, तो लग रहा है जैसे अपने ही कॉलेज में आए हैं। बहुत अच्छा लगा यहाँ आके। रैंकिंग कर रहे हैं या? नहीं, रैंकिंग पे तो रोक है। रैगिंग करना कानूनन जुर्म है और किसी को भी नहीं करना चाहिए। फ्लर्ट? फ्लर्ट तो मैं नहीं करता हूँ, कॉलेज स्टूडेंट है, आवश्यकता नहीं पड़ती है हमको फ्लर्ट करने की। के साथ कैसा है? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। सपना चौहान जी भी बहुत अच्छी अभिनेत्री हैं, बहुत अच्छा बिहेवियर है। नेहा जी जो हैं तो हम लोग पहले भी साथ में काम कर चुके हैं, इसमें फिर से काम कर रहे हैं फिल्म में, तो बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन, बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग, सब कुछ अच्छा है। तो इस फिल्म से दो फ्रेश चेहरा भी इंडस्ट्री में रहा है, नेहा जी और सपना जी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, और हमारे इंडस्ट्री के आने वाले भविष्य हैं, ये लोग अच्छा काम करें, हमारी यही शुभकामना है। अरे रत्नाकर सर का तो क्या कहना, हम लोग बहुत पहले से रत्नाकर सर के साथ गाने करते आए हैं वर्ल्ड वाइड के लिए, लेकिन पहली बार मैं उनके लिए फिल्म कर रहा हूं, तो बहुत अच्छे गानों में ही इतने अच्छे प्रोड्यूसर हैं, तो फिल्म के लिए तो आप पूछिए ही मत। हमारे बड़े भैया अनंजय रघुराज जी इस फिल्म के डायरेक्टर हैं, और वो इतने प्यार से काम निकलवाते हैं कि पूछिए मत। बहुत अच्छी टीम है, पाजी हमारे DOP हैं, बहुत। आफ्टर ऑल राकेश त्रिपाठी जी ने इतनी अच्छी स्टोरी लिखी है कि हम लोग उसको आत्मसात करने का प्रयास कर रहे हैं बहुत अच्छे तरीके से। नहीं, तंग तो कुछ नहीं कर रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है साथ में काम करके। और सबसे बड़ी बात कि मेरा वर्ल्ड वाइड में भी पहला फिल्म है और अनंजय रघुराज जी के साथ भी पहला फिल्म है, तो हमारा अनुभव एज ए पहला फर्स्ट फिल्म बहुत अच्छा रहा है, बहुत अच्छा। इसमें सब कुछ मिलेगा, एंटरटेनमेंट ही एंटरटेनमेंट है इसमें। लव लव स्टोरी तो कमाल की है इसकी, उसके बाद से एक्शंस भी हैं, ड्रामा भी हैं। हमारे बड़े भाई इस फिल्म में महेश आचार्य जी हैं, तो आप समझ ही रहे हैं महेश आचार्य जी रहेंगे तो हंसी तो आना ही है। और अवधेश मिश्रा जी हैं, अनीता रावत जी हैं, बहुत अच्छे अच्छे आर्टिस्ट हैं इसमें। दर्शकों से यही अनुरोध है कि भोजपुरी में बहुत अच्छी अच्छी फिल्में आ रही हैं। अभी हमारा 15 तारीख को एक फिल्म आने वाला है जियो स्टूडियो पे, तूतू मैं, थोड़ा हॉरर है, थोड़ा कॉमिक है, उसको भी देखिए। एक फिल्म जियो स्टूडियो पे आ चुका है सनम मेरे हमराज, वो भी देखिए, थ्रिलर फिल्म है, रॉ एजेंट का हमने किरदार निभाया है। तो बहुत ही अच्छे अच्छे भोजपुरी में फिल्में आ रही हैं, आप भोजपुरी फिल्मों को बहुत ज़्यादा प्यार दुलार आशीर्वाद है। बिल्कुल बिल्कुल, वर्ल्ड वाइड से अभी कल या परसों ही एक गाना आएगा, और अभी एक गाना आया हुआ है चांद भी बेवफा निकल गया सारे गमा हम भोजपुरी से, तो आप लोग उसे भी जाके सुने। और कौन कौन फिल्म के दर्शकों के लेके आ रहे हैं? फिल्म में बहुत सारी लाइन से हैं हम लोग जो लंदन शूट करके आते हैं, अभी तो तूतू मैं आ रहा है 15 तारीख को, वो देखिएगा। और भी जितनी फिल्में आ रही हैं वो आने के बाद हम अपडेट दे देंगे। हाँ, बहुत तेज़ी से हमारा भोजपुरी सिनेमा आगे बढ़ रहा है, और इसमें सबसे ज़्यादा सहयोग आप सभी दर्शकों का है, जो आप लोग भोजपुरी को इतना ज़्यादा प्यार दुलार देते हैं, इसके वजह से हम लोगों का भोजपुरी दिन दुगना रात चौगुना एकदम तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। ऐसे ही प्यार दुलार देते रहिए। भारत में जितनी भी क्षेत्रीय भाषाओं की इंडस्ट्रीज हैं, हमारा दावा है कि भोजपुरी सबसे एक न एक दिन नंबर 1 पे होगा।